नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला तहसील महरानीपुर के ग्राम घाट लहचोरा का है, जहां ग्राम सभा की भूमि पर चार लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण करने की शिकायत पूर्व ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश सिंह सेंगर द्वारा मुख्यमंत्री से की गई, जिसमें पूर्व तहसीलदार द्वारा जांच के बाद निर्माण कार्य को अवैध पाए जाने पर चार लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस की टाइम अवधि समाप्त होने के बाद तहसीलदार साहिबा राजस्व अमले को लेकर उक्त निर्माण कार्य तोड़ने के लिए रवाना हो गई थी एवं पुलिस को भी उक्त स्थल पहुंचाने के लिए सूचित कर दिया गया था, लेकिन एक अचानक फोन कॉल के बाद तहसील साहिब को रिटर्न वापस लौटना पड़ा एवं अवैध निर्माण कार्य नहीं तोड़ा जा सका। उक्त मामले को लेकर पुनः शिकायतकर्ता पूर्व ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश सिंह सेंगर ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर अवैध निर्माण कार्य नहीं तोड़े जाने की शिकायत की, जिसे लेकर तहसील साहिबा वंदना ने बताया, मुझे एक सप्ताह कार्य संभाले हुआ है। रास्ते में हमें उक्त स्थल पर लगभग 50 लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की जानकारी मिली थी। न्यायहित में चार लोगों का अवैध कब्जा हटाना उचित प्रतीत नहीं हुआ, जिसकी पुनः जांच कराकर समस्त अवैध कब्जाधारियों का निर्माण कार्य हटाया जाएगा। उन्होंने कहा उक्त कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। रहा मऊरानीपुर का निवासी घाट लहचूरा, क्या मामला है? हमारे यहाँ जो है दीपक मिश्रा जो प्रधान है, इसने जो है भ्रष्टाचार से जो है वो ग्राम प्रधान में जो है जो जिला परिषद की जमीन थी, जो सरकारी जमीन थी, उस पर इन्होंने अपना खुद का मकान बनवाया और कुछ इसके रिश्तेदार हैं उनका रिश्तेदार उन्होंने बनवाया और एक दो चार लोगों के इन्होंने अवैध रूप से वहाँ निर्माण कराया। अब चूंकि हमारे जो है मुख्यमंत्री महोदय का ये है आदेश है कि भ्रष्ट लोगों का, चूंकि दीपक मिश्रा बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा जो है अपराधी है, तो इसने जो है वहाँ पर अवैध कब्जा किया है। तो क्या शिकायत की थी आप? हमने शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी कि ये अवैध कब्जा हटाया जाए। उस अवैध कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार साहब महोदय पूरा उन्होंने जो है वहाँ जांच की, जांच में अवैध कब्जा पाया गया, तो आज 7 तारीख को उस अवैध कब्जा के हटाने के लिए तहसीलदार साहब और अपने पूरे स्टाफ के साथ और जेसीबी लेके वहाँ उसके मकान के गिराने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में चूँकि जो है उसको प्रधान और SDM महोदय की पूरी जो है वो मदद कर रहा है, इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है, तो बीच में जो है बीच से ही जो है दोपहर में उस SDM ने जो है तहसीलदार को और उनको बुलवा के और वापस कर दिया। इस मामले में आपने SDM से बात नहीं की है? SDM साहब से मैंने की थी बात, बहुत पहले की थी बात, और उन्हें ये भी बताया था कि चूंकि जो है आप वहाँ पे जो है लहचूरा डैम पे आपकी पार्टी भी होती है और वहाँ जाते हैं दीपक मिश्रा आपके साथ और इस तरीके से जो है वो प्रधान वहाँ पे अवैध कब्जा किए हुए है, लेकिन आज साबित हो गया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन आज मुझे लगा कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री जो ईमानदार व्यक्ति हैं उनके साथ SDM महोदय ने एक जो है बहुत ही बड़ा मतलब एक तरह से जो है शासन के खिलाफ कार्रवाई की है कि उन्होंने जो है तहसीलदार को रास्ते से वापस करके जो है उसको गिराने से रुकवाया। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हम चाहते हैं कि उनका जो है जो अवैध मकान बना है उसको गिराया जाए, चूंकि जो है हम SDM से संतुष्ट नहीं है, चूंकि SDM की देखरेख में वो नहीं गिर सकता है, चूंकि इसमें पूर्ण रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 20 से जो है आज के दिन जब इतना सारा स्टाफ लहचूरा की पुलिस को भी सूचना कर दी गई थी उसके गिराने के लिए, और बीच में जो है इन्होंने जो है उनको तहसीलदार साहब को बुलाया, तहसीलदार बेहद ईमानदार व्यक्ति है और वो लेडी इतनी सख्त है कि उसके ऊपर मुझे पूरी आशा है कि तहसीलदार बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार ने उसको रोक दिया। तो मेरी बस यही निवेदन है, अगर ये सब नहीं होगा तो मैं आम अनशन पे बैठ जाऊंगा। उसमें कल पता चला है कि मोदी जारी हुए थे आपको गुरुवाने के लिए ऐसा है, उसमें प्रकरण न्यायालय में भी विचाराधीन है और उसमें कुछ 67 की कार्रवाइयां हुई है जो कि उच्च न्यायालय में जिले स्तर पर भी विचाराधीन है, तो अभी प्रकरण की जांच कराई जा रही है, जैसे ही उस पर सही सूचनाएं सारी अभिलेखी साक्ष्य कलेक्ट कर लिए जाएंगे उसके बाद नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी
पोस्ट पे की जाएगी। पता चला है कि पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी, जेसीबी भी पहुँच चुकी थी, आपको आधे रास्ते से लौटना था, कैसे जानकारी मिली पूरी कार्रवाई? चूंकि अभी उसमें कई, चूंकि वो डाटा जो है वो बिहार का है और उसमें कई घर अवैध रूप से बने हैं, तो कार्रवाई एक पे करना उचित नहीं था, इसलिए उस पर जांच कराई जा रही है। जैसे ही पूरी निरीक्षण जब उसका करवा लिया जाएगा, और जो टीम वहां पे है उसके विरुद्ध भी कई शिकायतें आई हैं कि उन्होंने ठीक से उस पर, चूंकि हमारे पूर्व में भी अधिकारी जा चुके हैं तो ठीक से जांच नहीं हुई है, तो हम उस प्रकरण को दिखवा रहे हैं। जैसे ही ठीक से उस पर जांच करवा ली जाएगी, सारे प्रकरण जितने भी अवैध कब्जे के हैं वहाँ पे और भी लोगों का सामने आया है, तो दूसरी टीम विलेज के जांच करवाने के बाद उस पर जो भी नियमता होगा वो करवाया जाएगा। अब कुछ न्यायालय से हम लोगों को डॉक्यूमेंट मंगवाना है और कुछ दूसरी टीम को भेज के मौके पर भी पेमेंट करवानी पड़ेगी, तो टाइम सप्ताह भर या उससे जो भी जितने भी समय में हो जाता है जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास किया जाए।